नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मथुरा कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल भेजने के बाद अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके तहत आज मथुरा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की जा रही है। साथ ही CBI व ED पर गंभीर आरोप लगाते हुए उचित जाँच की मांग की है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का कहना है कि कथित तौर पर फर्जी शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठा इल्जाम लगा करके जेल में रखा गया, जहां उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की हालत बिगड़ती जा रही है। कथित शराब घोटाले में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए, साथ ही उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अच्छी इलाज मुहैया कराया जाए। झूठे केस में फंसाने वाले CBI व ED के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जैसा कि सब सर्वविदित है, केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाकर काफी दिनों से जेल में रखा गया है। ईडी द्वारा ईडी के केस में उनको जमानत भी मिल चुकी है, उसके बावजूद भी CBI द्वारा रिमांड में उनको रखा जा रहा है। और जो उनके स्वास्थ्य का खिलवाड़ हो रहा है जेल में, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य की अच्छे से निगरानी हो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और केंद्र सरकार जो चमनकारी नीति चला रही है, ED CBI द्वारा उसे बंद करे, सकारात्मक काम करे। जनता ने जो जिस आधार पर उन्हें मैंडेट दिया है, उस आधार पर वो काम करें, अच्छे काम करें, ना कि विरोधियों को दबाकर लोकतंत्र की आवाज़ की गला घोटें।